नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पे जिसका नाम है तनवा टेक्निकल म्यूजिक। तो लास्ट मैंने एक पैच अपलोड किया था जिसमें मैंने आह्वान का संतूर आप लोगों के लिए प्ले करके बताया था कैसे उसे यू नो कि यूज़ कर सकते हैं। उसकी प्लेइंग ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे लगी नहीं कुछ भी, ठीक है। तो उसकी प्लेइंग आप उस वीडियो को देख के सीख लीजिए, मैं आप लोगों को एडिटिंग अभी बता देता हूँ। और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये पैच आपको रहेगा जब आप आह्वान लगाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें एफएक्स की, तो एफएक्स होता है मेन। यहाँ पे मैंने एफएक्स जो यूज़ किया है वो कंप्रेसर के नाम से एफएक्स यूज़ किया है, और वो जो कि 5 नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कंप्रेसर के नाम से एफएक्स यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। अंदर का रेटिंग की बात करूँ तो थ्रेशोल्ड मैंने इसका 0 रखा हुआ है, मेकअप 4 है, रेशो इसका 8:1 है, अटैक इसका 5 है, और रिलीज इसका मैंने 20 रखा हुआ है, लो हाई गेन को रखा हुआ है 0 dB, और सारे पैड का एफएक्स मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ एफएक्स के बारे में। अभी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ताकि आप लोगों को ऐसे ही सीखने सिखाने वाले वीडियोस मिलते रहें। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की। सबसे पहले पैड की बात करेंगे। सबसे पहला पैड, और देखिए आप पैड एक करके, ठीक है, मतलब PC4 के अंदर आपको ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। बहुत शॉर्टकट में आपको एडिटिंग बताऊंगा, आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो PC4 के अंदर आपको 57 नंबर पे ये इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे इसको कर देना है सिलेक्ट ऑल, जैसे कि मैंने कर दिया ये ऑल। तो अभी क्या होगा कि देखिए अब सारे पैड्स पे आप पैड यहाँ पे काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है, सारे पैड्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी पैड्स पे सेम इंस्ट्रूमेंट सेट हो चुका है, ठीक है। अगर बात करें इसके डायनामिक की, देखिए सबका म्यूट ग्रुप यहाँ पे इसे भी ऑल कर दीजिए एक साथ, ठीक है, सबका अब सबका एक साथ हो चुका है म्यूट ग्रुप भी, ठीक है। ये सारे पैड का आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेम डायनेमिक भी सारे पैड का एक साथ ऑल कर दीजिए, सेट द सेम वैल्यू टू ऑल पैड्स, आर यू श्योर? मैंने कर दिया ओके, मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो सारे पैड्स पर भी देख लीजिए आप, ठीक है, सारे पैड्स का डायनेमिक भी ऑन हो चुका है। मीन्स आप 3 बटनों का यूज़ करके ही केवल सारे पैड पे सेम इंस्ट्रूमेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं अंदर के रेटिंग की। अब ये होती है थोड़ी सी मेन, ये हुआ हमारा फर्स्ट पैड है, क्योंकि सारा खेल ट्यूनिंग का है। तो देखिए ये मैंने हल्का सा राग देश में बनाने की कोशिश करी है, बाकी मैंने इसमें उल्टे सीधे स्वर भी थोड़े से लगाए हैं, मतलब एक्यूरेट राग देश नहीं है, तो उल्टे सीधे स्वरों को थोड़ा सा यूज़ किया है, तो एक्यूरेट राग देश नहीं बोल सकते इसे हम, ठीक है। बट हाँ, उसका भी थोड़ा सा एक अंग मैंने इसमें दिखाया हुआ है, तो आप ये चीज़ भी थोड़ा सा माइंड में रख के प्ले कीजिएगा कि कंप्लीट राग देश ये नहीं है। तो देखिए बात करते हैं फर्स्ट पैड की ट्यूनिंग की। तो ये हमारे 100 है, बाकी मफलिंग 0, सॉफ्ट अटैक 0, टोन कलर 7, पिच स्वीप 0, वॉल्यूम 100, ठीक है। पैड नंबर 2 की ट्यूनिंग की बात करें तो -100 है, मफलिंग 0, सॉफ्ट अटैक 0, टोन कलर 7, पिच स्वीप 0, वॉल्यूम 0 100, और सेंटर है पैन इसका और रिवर्स ऑफ है, ठीक है। बात करें थर्ड पैड की, तो थर्ड पैड में मैंने रखा हुआ है ट्यूनिंग 400 माइनस में, मफलिंग 0, सॉफ्ट अटैक 0, टोन कलर H10, पिच स्वीप 0, वॉल्यूम 100, और पैन इसका L2 रखा हुआ है, ठीक है, और रिवर्स इसका कुछ भी नहीं है। पैड नंबर 4 की अगर बात करें तो 700 माइनस में ट्यूनिंग आपको देखने को मिलेगी, और मफलिंग 0, सॉफ्ट अटैक 0, टोन कलर आपका H7 है, पिच स्वीप 0, वॉल्यूम 100, और पैन इसका L8। पांच अगर पैड की बात करूँ तो 2 लेयर यहाँ पर मैंने यूज़ की हुई है, और देखिए इसमें मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है इंस्ट्रूमेंट लेयर टाइप रखा है एक्स फेड, ठीक है, और इसका लेयर पॉइंट रखा है 127। अगर आप इसे अब धीरे हाथ से प्ले करेंगे, ठीक है, हल्का हाथ से प्ले करेंगे तो पहले लेयर के साउंड आएगा, और जोर से आप प्ले करेंगे तो दूसरे वाले लेयर का साउंड आएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट दोनों जगह सेम मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, और ट्यूनिंग का थोड़ा सा फ़र्क है। ए बैंक की है प्लस, सॉरी -500, और बी बैंक की है +500, बाकी सब कुछ जो दोनों का सेम है, ठीक है। और टोन कलर H है इसका 6 करके, ए बैंक का, बी का 0 है, और वॉल्यूम दोनों का सेम है। पैन हमारा जो ए बैंक है उसका L7 है, बाकी इसका बी का सेंटर है, ठीक है। अगर बात करें हमारे 7th नंबर पैड की, तो 1100 है माइनस में ट्यूनिंग इसकी, मफलिंग है 0, सॉफ्ट अटैक 0,
एच टॉन कलर है हमारा 4 और पिच वेव 0, वॉल्यूम इसका 100। तो पिच सी टी आर है मतलब कंट्रोल हमारा पैन इसका। और इसके बाद अगर बात करें 8 नंबर मतलब फाइनल पैड की, तो फाइनल पैड में हमने क्या रखा हुआ है, बेसिकली -1800 ट्यूनिंग रखी हुई है और मफलिंग 0 है, सॉफ्ट अटैक 0 है, टॉन कलर इसका 5 है एच करके, और पिच स्वीप 0 और वॉल्यूम इसका 100 है। ठीक है, अगर आप लोगों को प्लेइंग को लेकर अभी भी रिक्वेस्ट आती है तो आप प्लीज़ मुझे एक बार वापस से मेंशन कर दीजिए। वैसे मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली इसमें कुछ प्लेइंग ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही सिंपल सी इसकी प्लेइंग है, जो कि मैंने ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब कि 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 8 7 6 फिर 8 7 2 ना 8 7 5 8 7 5 8 7 5 8 7 5 8 7 6 8 7 6 8 7 6 ये प्लेइंग पैटर्न रहेगा। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है, आप लोग को जो बोल रहा हूँ मैं यही पैड हिट कीजिएगा। 8वां पैड मैं इसको मानता हूँ, ठीक है, और 7वां इसको और 6ठा इसको। तो ऐसे 8 7 6 8 7 6 8 7 6 फिर 8 7 5 8 7 5 8 7 5 8 7 5 जब आप करोगे वो बिल्कुल हल्का हाथ से करोगे। ठीक है, तो प्लेइंग इसकी बहुत ईजी है, बाकी आप रैंडम ऊपर से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि संतूर का टुकड़ा जो होता है मतलब संतूर का जो आह्वान हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली सबका अलग अलग होता है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप अगर इसे प्ले करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी कुछ प्ले किया है और आप कुछ और प्ले करो तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर नए हैं फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल कर दीजिए, और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार दिखाए रखिए, बनाए रखिए अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। जय हिंद।